टेलीविजन पर आना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नाजिया, आप तो कितने अरसे से बाहर रह रही हैं वलायत में? एग्जैक्ट तो पता नहीं, काफी साल हो गए, 10-15 साल। दस साल जी। तो वतन से ये दूरी जो 10 साल रही आपकी, आप तो आती जाती रहती हैं जी, तो कैसी लगी वतन आके? खुशी होती? बिल्कुल, घर आ जाते हैं वापस, घर का एहसास मिलता है। बिल्कुल, है तो घर ही ना, बाहर रहते हैं तो हमेशा यही रहता है कि हाँ इधर पढ़ने आए लेकिन बाहर रहते हैं, घर तो नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये दो रास्ते जो हैं, एक तालीम का और एक गायकी का जी, ये मुख्तलिफ नहीं है कि फील्ड चुनना कौन सी है? कि अल्लाह ने आपको इतनी उम्र में इतनी शोहरत दे दी है और तालीम में भी आप मतलब पीछे नहीं है। अच्छा, हमने सुना है कि तमाम आपने मेडल वगैरह अव्वल वगैरह आई है उसके, सही है? तो इसके बारे में बताएंगे कुछ, ये बीए में आप पहले नंबर पे आई हैं क्या? बस यही था कि बहुत मेहनत की और अमेरिकन कॉलेज है वहाँ पे प्राइज मिलता है जिसकी सबसे अच्छी पोजीशन आए, तो मिल गया। आसानी से मिल गया? नहीं, बहुत मेहनत मेहनत करना पड़ी जी। पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करती हैं या गाने में? दोनों पे करनी पड़ती है। जो भी जैसे एग्ज़ाम्स हों तो जाहिर है उस वक्त पढ़ाई पे ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उस वक्त म्यूज़िक पे ज़्यादा होती है। अच्छा, पता है एक अजीब बात है, जो लोग यहाँ रहते हैं जब वो आपके कैसेट सुनते हैं तो कहते हैं भाई ये तो बड़े आसान कैसेट है, तमाम डिस्को बीट बजाई, गाना गाया, मार्केट में बिक गया, एक मिनट में हो गया, इनाम मिल गया, मिनट भर में शोहरत मिल गई। ऐसा तो है नहीं कर नहीं, जो भी अच्छी चीज़ हो उस पर तो ज़ाहिर है कि मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप म्यूज़िक ही ले लें, जिस तरह का भी म्यूज़िक हो, क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या पॉपुलर म्यूज़िक हो जैसे हम करते हैं, हर तरह के म्यूज़िक पे रियाज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और फिर ही जाके चीज़ अच्छी होती है। तो अब जैसे यहाँ पे भी लोगों को अब एहसास हो रहा है कि जैसे पॉपुलर म्यूज़िक है उस पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पॉपुलर म्यूज़िक आप लोग करते हैं या बाद में हो जाती है? नहीं, पॉपुलर म्यूज़िक का मतलब पॉप म्यूज़िक। अभी किसी रिसाले में हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान में 50 आदमियों ने जो पिछले 10 सालों में तहलका मचा दिया है, जो चेंज लेके आए हैं, उनमें आपका और जोएब का नाम भी है। तो पहले तो ये कंफर्म करें कि ये बात रिसाले में आई थी, आपने पढ़ा, तो ये किस लिहाज से उन्होंने चेंज को किया है? पहली बात तो ये है कि उन लोगों ने खुद डिसाइड किया, तो आई एम नॉट श्योर कि किस बेसिस क्या थी उनकी, लेकिन जो आर्टिकल में जो था वो यही था कि जब मैंने पहला गाना गाया था बहुत साल पहले, तो उसका म्यूज़िक डिफरेंट था, उसकी पिच डिफरेंट थी, उसका स्टाइल डिफरेंट था, और ये पहली दफ़ा थी कि हिंदुस्तान में किसी और मुल्क से किसी ने गाया हो, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ ऑब्वियसली, तो वहाँ पे पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी ने गाया था। और फिर जब गाना इतना पॉपुलर हो गया तो उन लोगों ने कहा कि फ्लूक है, इस तरह का म्यूज़िक एक दफ़ा होगा लेकिन दोबारा नहीं चल सकता, कभी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमने डिस्को दीवाने बनाया रिकॉर्ड, और फिर वो बहुत पॉपुलर हो गया, और जो ट्रेंड था फिर एकदम बदल गया, क्योंकि जितना म्यूज़िक उसके बाद आया, जैसे फिल्मी म्यूज़िक में भी जो था वो ट्रेंड ये हो गया कि वेस्टर्न ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया, लोगों ने ये शुरू कर दिया कि सिंगर सिर्फ प्लेबैक सिंगर्स ना हो, वो आगे भी आके गाएं, अपीयरेंस उनकी ज़रूरी हो गई जी। फिर जैसे हमने वीडियोस बनाए तो अब आप देखें वीडियोस हैं, और ये भी ट्रेंड हो गया कि जो यंगर जनरेशन है उनके लिए ख़ास तरह का म्यूज़िक होना चाहिए। जिस उम्र में आप हैं नाजिया, इसमें तो लड़कियाँ कांच की चूड़ियाँ जमा करती हैं, शहजादों के ख्वाब देखती हैं और घरौंदे बनाती हैं, तो कभी इन चीज़ों का दिमाग में आया या ऐसी मसरूफियत है कि देसी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं, देसी बातें तो सिर्फ दामन नहीं छोड़ती होती, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे अपनी एजुकेशन से बहुत लगाव है, और मैंने हमेशा ये सोचा है कि आप देसी हो या वेस्टर्न हो, लेकिन हर आदमी को स्पेशली लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तालीम बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आदमी जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको ज़रूरी करनी चाहिए।